हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों देखिए, आज हम एक सीरीज का शुभारंभ करने जा रहे हैं। मित्र, ये सीरीज ऐसा है फ्रेंड, जो इसमें हम लोगों ने 90 क्वेश्चन तक हल कर लिया था फ्रेंड, उसी के आगे से हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए बिना समय के बाद शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 का रहा है, 1890 ग्रुप का वह कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार कवि और कला इतिहासकार था। तो जो 91 का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी G.M. शेख, ठीक है। देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 का रहा है, राम किंकर बैज का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है। तो देखिए कह रहा है नूड फेम्स, पहाड़ी परिवार, संथाल परिवार, राजस्थानी परिवार। तो जो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी संथाल परिवार, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है ययाति पेंटिंग की एक श्रृंखला जो बनाई गई है इनके द्वारा। तो आपको बताना जो ययाति श्रृंखला है वो किसके द्वारा बनाई गई है। देखिए कह रहा है अंजलि इला मेनन, राम कुमार, रामचंद्रन नायर, बीसी सान्याल। तो जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी रामचंद्रन नायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 का रहा है, बीसी सान्याल थे इनके समकालीन। तो आपको बताना जो बीसी सान्याल थे वो किनके समकालीन थे। देखिए ऑप्शन फर्स्ट का है राजा रवि वर्मा, दूसरा है अमृता शेरगिल, तीसरा है वान गॉग, चौथा है सेजान। तो जो 94 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मित्र वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी अमृता शेरगिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 का रहा है, प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है प्रगतिवादी समूह का वो कौन सा कलाकार था जो ईसा मसीह के चित्र को बनाया था। देखिए कह रहे हैं आरा, एफ एन सूजा, आई एस जौहर, एस एच रजा। तो मित्र जो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी एफ एन सूजा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 का रहा है, प्रगतिवादी समूह का वह कौन सा कलाकार पेरिस में बस गया। तो आपको बताना जो प्रगतिवादी समूह का कलाकार ऐसा कौन सा था जो पेरिस में बस गया था। तो जो 96 का राइट आंसर हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए कह रहा है आरा, गायतोंडे, रजा, सूजा। तो जो 96 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी रजा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था। तो आपको बताना जो बिंदु है प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था। देखिए कह रहा है एम एफ हुसैन, एस एच रजा, एफ एन सूजा, के हैबार। तो जो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर हो जाएगा मित्र वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी एस एच रजा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 का रहा है, प्रगतिवादी समूह का कलाकार गायतोंडे जाने जाते हैं। तो आपको बताना जो प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे जी हैं वो किस रूप में जाने जाते हैं। तो जो देखिए कह रहे हैं पेंटर, प्रिंट मेकर, मूर्तिकार, धातु ढलाईकार। तो जो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी पेंटर के रूप में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है। तो आपको बताना जो यामिनी राय की पेंटिंग है वो किस माध्यम में बनी है। देखिए कह रहा है वास, आयल, टेम्परा, आयल पेस्टल। तो जो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी टेम्परा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का रहा है, मदर गाडेस की मूर्ति किस माध्यम में है। तो आपको बताना जो मदर गाडेस की मूर्ति है वो किस माध्यम में बनाई गई है। जो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी टेराकोटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैं तो क्वेश्चन नंबर 101 कर रहा है, किस किस रंग के मिलने से ग्रे रंग बनता है। तो आपको बताना जो ग्रे रंग है वो किस रंग से मिलने से बनता है। देखिए कर रहा है काला और हरा, काला और नीला, काला और पीला, काला और सफ़ेद। जो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी एक काला और सफ़ेद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 का रहा है, सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है। तो आपको बताना जो सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार है वो कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी एंडी वारहोल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 103 का रहा है, पोटैटो ईटर का प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया।
तो आपको बताना जो पोटैटो ईटर का प्रसिद्ध चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी वान गॉग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है किसने लंचियन एट द ग्रास नामक पेंटिंग बनाई। देखिए ऑप्शन है मोने, माने, रिनोइन, देगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी माने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 का रहा है डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी। तो आपको पता है जो डेविड की मूर्ति है उसे किस मूर्तिकार ने बनाई थी। जो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी माइकल एंजेलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 का रहा है किस कलाकार ने ताहितियन पेंट किया। तो आपको पता है किस कलाकार ने ताहितियन पेंट किया। तो जो क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी पाल गागिन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 का रहा है अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम बताएं। तो जो क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर हो जाएगा मित्र वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी मुंच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 का रहा है प्रकाश का अवतरण 1977 तैल माध्यम में किसका चित्र है। तो आपको बताना जो प्रकाश का अवतरण है वो चित्र किसने बनाया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी वीरेन डे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं। तो आपको बताना है अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर किसकी आकृतियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 109 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी पशुओं की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ। तो आपको बताना है पल्लव कला के अंतर्गत किन कलाओं केंद्रों का विकास हुआ। तो जो क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी महाबलीपुरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 का रहा है उर्वशी और पूर्वा तैल संग्रह कुमार गैलरी किसका चित्र है। तो आपको बताना जो उर्वशी और पूर्वा है वो चित्र किसका है। तो जो क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर हो जाएगा मित्र वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी ए रामचंद्रन। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए कह रहा है 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ। तो जो क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी पाल शैली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 का रहा है मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ। तो आपको बताना है मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास जो हुआ था वो किस बादशाह के दरबार में हुआ था। तो जो क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी शाहजहां। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 114 का रहा है ए रामचंद्रन का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो ए रामचंद्रन जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। जो क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी केरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 का रहा है केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। तो आपको बताना है केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो जो क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी डीपी राय चौधरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 का रहा है भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो आपको ना है भारत भवन संग्रहालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी भोपाल में। ठीक है, देखिए मित्र यहाँ पे भारत भवन संग्रहालय की बात की जा रही है ना कि भारत कला भवन की। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 116 का वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी भोपाल में। ठीक है, देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 का रहा है निम्न में से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी प्रयाग शुक्ला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 का रहा है चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी संतुलन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं। तो आपको बताना है जो नाट्यशास्त्र है उसके प्रणेता कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मित्र ऑप्शन नंबर 3 यानी भरत मुनि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 का रहा है मोजाइक कला संबंधित है। तो आपको बताना है मोजाइक कला जो है वो किससे संबंधित है।
जो क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी बांजेंटाइन कला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 का रहा है, मूर्ति कला की वह शैली क्या है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही। तो आपको बताना मूर्ति कला की वह कौन सी शैली है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही। जो क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर हो जाएगा मित्र वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी गांधार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122 का रहा है, गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। तो आपको बताना जो गौतम बुद्ध जी थे वो निर्वाण कहाँ प्राप्त किए थे। जो क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कुशीनगर में। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी थी। तो आपको बताना जो कनिष्क मूर्ति है वो किस काल में बनी थी। जो 123 का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्र वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर, यानी कुषाण काल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 124 का रहा है, तेली का मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपको बताना जो ये तेली का मंदिर है वो कहाँ स्थित है। जो क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी ग्वालियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा मित्र। देखिए कह रहा है माइकल एंजेलो की पिएटा की ऊंचाई है। तो आपको बताना जो माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया पिएटा है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर हो जाएगा मित्र वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, 68 सही 1/2। ठीक है, तो मित्र ये थे 125 क्वेश्चनों का श्रृंखला का ये लास्ट क्वेश्चन। तो मित्र आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।